तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे स्वागत आपका जल्दी फोटेक की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले इस रियलमी के 3 की, जो कि मुझे आज ही रिसीव हुआ है। कल इसकी फर्स्ट सेल थी, तो मुझे 24 घंटे से भी पहले ये डिलीवरी मिल गई है इसकी फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो देखते हैं क्या है इसके बॉक्स कंटेंट और कैसा है ये फोन, साथ में देखेंगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन को भी। और दोस्तों, इसकी कुछ अलग वीडियोज भी आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले आती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है ये Realme 3 का बॉक्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ अपनी ये न्यू स्टैंडर्ड पैकिंग में आता है, जो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलता है आपको, एंड यहाँ पे आपको Realme देखते हुए मिलता है। दोनों ही साइड आपको राइट साइड एंड लेफ्ट साइड Realme 3 देखने को मिलता है, एंड बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायनामिक ब्लैक कलर मंगवाया है मैंने, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 3GB रैम वाला वेरियंट है, 32GB स्टोरेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग के बारे में दी गई है, 5 वोल्ट 2 एम्प्स की चार्जिंग है। यहाँ पे नॉर्मल चार्जिंग है इस फोन में, हमें पता ही है, एंड यहाँ पे डुअल वोल्टी का सपोर्ट है। और बाकी सब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे कुछ एक स्टिकर लगा हुआ है इनकी इन्फॉर्मेशन का, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे प्राइस वगैरह का मेंशन है दोस्तों, एंड यहाँ पे कंटेंट्स मेंशन है कि बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे प्राइस मेंशन है दोस्तों 10,999, यानी कि 11,000 रुपये मेंशन है, लेकिन मुझे ये फर्स्ट सेल में पड़ा है 8,499 का, यानी कि 8,500 रुपये पड़ा है। कैसे पड़ा है दोस्तों? 9,000 इसकी ऑफिशियल प्राइस है, बट 500 एक्स्ट्रा HDFC का डिस्काउंट मिला, तो उसकी वजह से मेरे को 8,500 में पड़ गया ये रियलमी का 3 मोबाइल। तो फटाफट से दोस्तों हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। पहले इसकी ऊपर की लिड ब्रेक करेंगे, जिससे कि हम इसको ओपन कर पाएं। तो ये मैंने ब्रेक कर लिया, आप जल्दी से इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने बॉक्स को ओपन कर लिया है, एंड जल्दी से बॉक्स को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो ये पार्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों इसमें। तो फटाफट से इसको उठाते हैं धीरे 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 धीरे, एंड तो ये है दोस्तों बॉक्स कुछ आपके सामने ऐसा। आपको सबसे आगे ये दिख जाएगा, एक सेक्शन मिला जिसमें रियलमी मेंशन है, यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के हैंडल्स मेंशन है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल तो पक्का मिलेगी आपको। जी हाँ दोस्तों, ये रही आपकी सिम इजेक्टर टूल, और यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको प्रॉपर ट्रिपल स्लॉट स्लॉट मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात लगी। एंड यहाँ पे आपको दोस्तों कुछ यहाँ पे पेपर वर्क मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट गाइड वगैरह, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है कि ये सॉफ्ट सिलिकन का केस। केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं कहना चाहूँगा इसमें सेफ आपका फ़ोन एकदम बढ़िया रहेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की, तो यहाँ पे आपको नीचे रखा हुआ मिल जाता है फ़ोन, जिसको हम जल्दी से उठाते हैं, एंड ये कुछ इस तरह का हमें फ़ोन मिल जाता है यहाँ पे रखा हुआ। फ़ोन को अभी हम एक बार साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है। बॉक्स में दोस्तों इसको हटाने के बाद हमें एक पावर ब्रिक मिल जाती है, ये पावर ब्रिक मिल जाती है दोस्तों हमें एक, जिसपे आप देख सकेंगे यहाँ पे रियलमी की ब्रांडिंग है। रियलमी की ब्रांडिंग के बाद यहाँ पे वही रेटिंग दी हुई है 5 वॉट्स 2 एम्प्स की, अगर आपको दिख रही हो दोस्तों। तो ये है कुछ इस तरह की रेटिंग। तो ये है नॉर्मल चार्जर, एंड यहाँ पे दोस्तों हमें मिल जाती है एक माइक्रो USB केबल, टाइप सी नहीं है, बट कोई बात नहीं, इस प्राइस रेंज में आई नहीं थी वैसे भी टाइप सी अभी तक। टाइप सी होती तो काफ़ी अच्छा होता दोस्तों। बाकी फ़ोन देखते हैं अब कैसा है, आप बाकी इन सभी चीज़ों को साइड रखते हैं दोस्तों, एंड फ़ोन पे नज़र मारते हैं कि फ़ोन कैसा है। तो दोस्तों ये है इसके ऊपर फ़ोन, एंड यहाँ पे कुछ मेंशन है इसके ऊपर, तो इसको हम जल्दी से हटाते हैं इस रैप को, एंड देखते हैं कि कैसा है हमारा ये फ़ोन। तो दोस्तों ये रैप हटाने के बाद कुछ इस तरह का हमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर एक आपको स्क्रीन गार्ड दिया गया है पहले से ही प्री अप्लाइड, जो कि काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। एंड यहाँ पे बैक में आप देख सकते हैं इसका वही बढ़िया सा डायनामिक ब्लैक कलर, जिसमें आपको डुअल टोन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ऊपर ब्लैक फिनिश है, एंड नीचे पर्पल सी फिनिश है, जो कि कई बार ब्लू भी लगती है एंड पर्पल सी, अगर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा करके देखेंगे तो। इस स्टीकर को भी हटा लेते हैं जल्दी से, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छे से पता चले इसके बारे में। दोस्तों ये स्टिकर हटाने के बाद आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है आपको राइट साइड में, ऊपर की तरफ आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है, और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल जाती है ये सिम ट्रे, जिसको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ मैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि
ये प्रॉपर ट्रिपल स्लॉट है, वैसे आपने आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये चीज काफी अच्छी लगती है मुझे कि कंपनी रियलमी ने आज तक अपने हर फोन में ट्रिपल स्लॉट दिया है, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होती है। डुअल वोल्टी के साथ हम अपने फोन को प्रॉपरली चला सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन दिए गए हैं, एंड नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ग्रिल मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, नॉइस का इंसुलेशन माइक मिल जाता है, एंड सेकेंडरी माइक भी यहीं पे देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे मिल जाता है एक माइक्रो USB पोर्ट। पीछे की साइड बात करें अगर, तो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मैग्नेट मिल जाता है देखने को, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये कैमरा, जो कि वर्टिकली लगाया है इस बार रियलमी ने, एंड रियलमी का लोगो भी इस बार वर्टिकली है। यहाँ पे आप दोस्तों कैमरा पे आप देखें ध्यान से, तो ये रिंग मिल जाती है, एक येलो रिंग, जिसको रियलमी ने कहा है रियलमी रिंग, जिससे कि ये आइडेंटिफाई कर देती है कि रियलमी का, अलग से ही पता चलता है इसमें डेटा है। तो जल्दी से मैं इसको बूट अप कर लेता हूँ दोस्तों, और बात करेंगे फिर इसके कुछ फीचर्स की। तो ये कुछ बूट हो रहा है अभी, और बूट होने देते हैं इसे। बाकी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं वाटर ड्रॉप डिजाइन दिया गया है, यहाँ पे HD+ की डिस्प्ले, यहाँ पे Full HD नहीं, HD+ की डिस्प्ले दी गई है, जो कि मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी यूज करे हुए हैं Full HD+ रिजोल्यूशन वाले फोन एंड HD+ रिजोल्यूशन वाले, तो दोनों में मुझे कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं लगता है। हाँ, बट आप अगर गेम्स वगैरह खेलते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कुछ पता चलेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक चिन्ह मिल जाती है देखने को, और जल्दी से हम इसको एक बार सेट कर लेते हैं कैसा है ये फोन। तो मैं एक बार जल्दी से सेट करता हूँ, फिर जैसे ही फोन के अंदर आते हैं आपको वहां से स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ज्यादातर सेट कर लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ColorOS 6 पर काम करता है ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स। तो स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग करते हैं हम अब स्टार्ट इसे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोन स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे गए हैं ColorOS 6 में, मैं बात करूँगा उसके बारे में भी। फिलहाल आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ मेजर चेंजेस। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ऐप ड्रॉवर का ऑप्शन मिल गया है हमें इसमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी लगता है मुझे, क्योंकि मुझे सिंपल फ़ोन ज़्यादा खास नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे क्लोन फोन आप किसी फोन से इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा, वो तो आपको पता ही है। यहाँ पे अगर हम सेटिंग्स में जाके एक बार मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिख जाए थोड़ा फ़ोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे अबाउट फोन के सेक्शन में जाते हैं हम। अबाउट फोन में जाके आप देख सकते हैं नेम वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड यहाँ पे वर्जन देख सकते हैं ColorOS का 6.0, एंड एंड्रॉयड वर्जन भी यहाँ पे 9 दिया गया है, जो कि है पाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगी मुझे, एंड्रॉयड 9 पाई पे काम करता है ये। एंड यहाँ पे आप दोस्तों प्रोसेसर देख सकते हैं ऑक्टा कोर, जो कि हमें पता ही है MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर दिया गया इसमें। ये रैम वेरियंट है 3 GB 32 GB, एंड यहाँ पे 32 GB में से आपको अवेलेबल मिलती है 19.4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐप आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है, जो कि आप कर भी सकते हैं अपने आप से अनइंस्टॉल, जो कि ठीक ही लगा मुझे। एंड यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल दिया गया January 5, 2019 का। तो रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे इसके, रियलमी ने हमें बताया ही है। एंड यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं इसके ओवरव्यू की, तो देख सकते हैं आप जो डिस्प्ले क्वालिटी है दोस्तों, आप HD+ के हिसाब से देखेंगे तो आप उसी में अटके रहेंगे, लेकिन अगर आप दोस्तों नॉर्मली अगर इसको चला के देखें तो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। मैं जितना यूज़ कर रहा हूँ इसको, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आ रही है डिस्प्ले क्वालिटी। एंड यहाँ पे कुछ जेस्चर्स का मोड भी दिया गया है, जिसमें आप सेट कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो यहाँ पे जैसे कुछ एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल्ड मिलती है, जो जिनको आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन आ गया, तो रिमूव आप कर सकते हैं आराम से, यहाँ पर जाके आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। शेयर चैट यहाँ पे अनइंस्टॉल, एंड यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया है। तो ये कुछ ऐप्स आपको मिल जाती है इसमें प्री इंस्टॉल, जो कि आप अनइंस्टॉल करते कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अगर इसके कैमरा की, तो कैमरा एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों इस फोन का, क्योंकि इस फोन में आपको मिल जाता है बैक कैमरा सेटअप मिलता है यहाँ पे 13+2 MP का, जो कि आता है अपने नाइटस्केप मोड के साथ में, एंड यहाँ पे आपको एक क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं जल्दी से कुछ शॉट्स लेके, और फिर बात करते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की। तो दोस्तों ये है नॉर्मल शॉट, एंड एक पोर्ट्रेट में भी लेके देखते हैं हम। एक दोस्तों इसके बॉक्स की भी लेके देखते हैं, बॉक्स की पिक कैसी आती है।
एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी है एंड यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस और मिल जाते हैं, स्लो मोशन वीडियो का, टाइम लैप्स का, एक्सपर्ट मोड मिल जाता है यहाँ पे आपको एक, और यहाँ पे आपको पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें अगर यहाँ पे ब्यूटी लेवल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं AI ब्यूटी लेवल दिया गया है जिसको आप एनहेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आप अपना पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है एंड यहाँ पे अगर आप नॉर्मल फोटो मोड में जाएंगे तो ऊपर की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो क्रोमा बूस्ट को ऑन करके मैं एक पिक्चर लेके देखता हूँ और आपको बताऊंगा कि कैसा लगता है क्रोमा बूस्ट ऑन करके। तो ये कुछ लोडिंग का टाइम लेता है। यहाँ पे दोस्तों एक बात अच्छी लगी, यहाँ पे डायरेक्ट आपको 2x जूम का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, जो कि आपकी फोटो को कुछ हद तक क्लियर देगा। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे इंडोर्स का, तो इंडोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से लाइटिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा